नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि पावर ऑफ अटॉर्नी से यानी मुख्तियार नामे से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, और कानूनी सहायता के लिए आप डायल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़े, मुख्तियार नामे से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान हैं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मुख्तियार नामे से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर आज हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ यहां पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं अधिवक्ता राजेश लाठीदार जी। राजेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, पावर ऑफ अटॉर्नी की आज बात की जा रही है, तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी की यानी मुख्तियार नामे की जरूरत कब पड़ती है। देखिए, जब एक आदमी जो है, कोई भी आदमी अपने खुद किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होता है या अपनी व्यस्तता के कारण कोई काम नहीं कर पाता जिसके लिए, लेकिन वो करना जरूरी है, उसके लिए वो किसी भी स्पेसिफाइड आदमी को, किसी भी आदमी को, चाहे उसका रिश्तेदार हो या कोई बाहर का आदमी हो या कोई उस फील्ड का जिस फील्ड में वो काम कराना चाहता है अपना, उसका टेक्निकली एक्सपर्ट हो, उसको वो अपॉइंट कर सकता है। जिसमें जो करने वाला होता है उसको प्रिंसिपल बोला जाता है, और जो एज पर द डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट, उसको प्रिंसिपल और एजेंट की डेफिनेशन दी गई है इसके अंदर। उसमें प्रिंसिपल जो होता है वो एग्जीक्यूटर होता है, जो एग्जीक्यूट करता है पावर अटॉर्नी, और जो अटॉर्नी होता है, जो एजेंट होता है, वो उसके बिहाफ पे काम करता है, उसके नाम से काम करता है, उसके बिहाफ पे काम करता है। और इसकी ज़रूरत अपने बिहाफ पे कुछ भी कार्य कराने के लिए वो एजेंट को एक तरह का अपना नॉमिनी या रिप्रेजेंटेटिव बना के अच्छा उसको अपॉइंट करता है। तो हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आज पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मुख्तियार नामे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह की समस्या है, या फिर आप पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़े कानूनी प्रावधान जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हम यहां पर मौजूद हैं और राजेश सर यहां पर मौजूद हैं। सर, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, पावर ऑफ अटॉर्नी की आपने बात करी और आपने बताया कि क्या चीजें पावर ऑफ अटॉर्नी रहती है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। मैं ये भी जानना चाहूंगा कितने प्रकार की पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ पर रहती है। देखिए, पावर अटॉर्नी आप चाहे तो एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए दे सकते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे सकते हैं किसी को, जिसका एक एम होता है कि ये वाला आप मेरे बिहाफ पे कार्य कर जाइए, तो वो उस कार्य को जब कर लेता है वो पावर अटॉर्नी की, उसकी जो पावर्स हैं वो खत्म हो जाती है, उसकी अटॉर्नी की एजेंट की जो कार्य करने की क्षमता होती है उस पावर अटॉर्नी के बेस पे, वो कार्य खत्म होने पे खत्म हो जाती है। एक होती है जनरल पावर अटॉर्नी। जनरल पावर अटॉर्नी कोई भी आदमी देता है किसी भी दूसरे आदमी को अपने बिहाफ पे, कि मेरे बिहाफ पे आप कई सारे एक काम या एक से अधिक काम करने के लिए देता है वो, और वो कार्य जब पूरे होते हैं या उसके बीच में भी उसको लगता है पावर अटॉर्नी देने वाले को कि ये पावर अटॉर्नी अब मेरे को आगे नहीं चलानी इसको, तो वो कैंसिल भी कर सकता है उस पावर अटॉर्नी को। ये नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट होता है इसमें। ठीक है, हम तो पावर ऑफ अटॉर्नी की लगातार यहाँ पर चर्चा की जा रही है। आपके मन में कोई समस्या है, कोई संशय है, तो बेझिझक आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, और क्या कुछ इसके कानूनी प्रावधान है पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़े हुए, या फिर किसी तरह की कानूनी सहायता आप चाहते हैं, तो आप हमें कॉल करिए। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अभी तक हमने जाना कि पावर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत क्यों यहाँ पर पड़ती है, साथ ही हमने ये भी जाना कि पावर ऑफ अटॉर्नी के कितने प्रकार रहते हैं। असर इससे जुड़े मैं कानूनी प्रावधान यहाँ पर जानना चाहूंगा, जो बेहद जरूरी होते हैं, जिनकी जरूरत यहाँ पर होती है लोगों को समझने की, वो मैं जानना चाहूंगा। जो पावर अटॉर्नी एक्ट है ये बड़ा पुराना एक्ट है, 1882 का एक्ट है, कोई 100-125 साल पुराना एक्ट। चलिए सर, इस पर हम प्रावधान के बारे में बात करें, उससे पहले हम एक अपने कॉलर को जोड़ लेते हैं। लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे साथ कुमार त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं। कुमार जी, स्वागत है आपका।
किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं, रखिए अपनी बात। चलिए लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन पंजाब से एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, विवेकानंद जी। विवेकानंद जी स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं। विवेकानंद जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि किसी भी तरह की समस्या है आपको पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़ी हुई, या फिर आप कुछ भी जानना चाहते हैं इस बारे में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जी सर, कानूनी प्रावधान की चर्चा की जा रही थी, पावर अटॉर्नी एक्ट 1882 का था, उसके बाद इसमें एक व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव बदलाव करे गए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के जो रिकमेंडेशन थे उसके बेसिस के ऊपर, अमेंडिंग एक्ट नंबर 55 ऑफ 1982। इसके तहत बहुत सारे बदलाव किए गए। इसमें पावर अटॉर्नी एक्ट के अंदर जो अटॉर्नी एक्ट करता है आपके बिहाफ पे, उस पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक वो कर सकता है जी। उसके अंदर एक जजमेंट था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बसंत नाटा का, अच्छा 2005 का। अच्छा। इस जजमेंट में ये हेल्ड किया गया था कि चैप्टर 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन 182 से लेकर 238 तक, वो जितने एक्ट है जिसमें एजेंट अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट और उसकी अथॉरिटी किस किस तरह से होनी चाहिए, वो पूरे अडॉप्ट किए जाएंगे पावर अटॉर्नी बनाते वक्त। उसमें इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का ध्यान रखा जाएगा, जब रजिस्ट्रेशन किस तरह से होना चाहिए पावर अटॉर्नी का। और अगर पावर अटॉर्नी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बना रहे हैं, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए पावर अटॉर्नी बनाना एक बहुत ही, उसे बड़ा सावधानी से बनाना चाहिए, क्योंकि पावर एक दूसरा सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे, उसके ऊपर पावर ऑफ अटॉर्नी बना रहे हैं तो क्या ध्यान में रखना चाहिए। घनश्याम हमारे साथ राजधानी दिल्ली से अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी स्वागत है आपका, क्या है आपका सवाल, हम किस तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं, कहिए। घनश्याम जी अपनी टीवी की आवाज कम कीजिए और अपना सवाल रखिए। सर मैंने एक अटॉर्नी से प्लॉट लिया हुआ है। आपने पावर ऑफ अटॉर्नी से? सर मैंने एक प्लॉट लिया हुआ है। अच्छा। पावर ऑफ अटॉर्नी सर। अच्छा हाँ, प्लॉट लिया हुआ है हाँ। आप तो इसमें ये पूछना चाहते हैं पावर अटॉर्नी मतलब इस पे प्लॉट में कोई दिक्कत तो नहीं होती? अच्छा ठीक है, जान लेते हैं। इन्होंने एक प्लॉट लिया हुआ है पावर ऑफ अटॉर्नी से और ये जानना चाहते हैं कि प्लॉट लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जी नहीं, इनको प्लॉट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पावर अटॉर्नी आपको राइट टाइटल इंटरेस्ट प्रॉपर्टी का नहीं दिलाता। अच्छा, वो ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है एज पर प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो आपको किसी भी तरह से उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बना सकता। इसके ऊपर एक जजमेंट था 2011 का, 11/10/2011 का जजमेंट है, सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पावर अटॉर्नी को एक विस्तृत रूप से डिफाइन किया था, उसके बाद उसके सारे प्रोविजंस को डिस्कस करते हुए ये हेल्ड किया हुआ है कि पावर अटॉर्नी, और ये प्रोस्पेक्टिव है क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, अगर रिट्रोस्पेक्टिव होता तो बहुत लोग अफेक्टेड हो जाते हैं इस जजमेंट से, इसलिए इसको प्रोस्पेक्टिव किया गया। इसके अंदर पावर अटॉर्नी जो है वो एक ऐसा दस्तावेज है जो सिर्फ आपको किसी के बिहाफ पे कार्य करने के लिए अथॉरिटी देता है, पावर देता है। वो ना इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके नाम में ट्रांसफर होगी ऐसा कोई उसके अंदर प्रोविजन नहीं है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन जो इस पर लागू होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप मालिक नहीं बन सकते इस प्रॉपर्टी का। आपको मालिक बनाने में सिर्फ एक ही दस्तावेज आपकी सहायता कर सकता है जो कानूनी तौर पर मान्य है, वो है कन्वेंस डीड, सील डीड। और पावर अटॉर्नी सिर्फ एक दूसरे पर्पजेस के लिए होता है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, यानी दस्तावेज नहीं प्लॉट ना लें तो ही अच्छा है जी, ये आपके लिए सही रहेगा। विवेकानंद हमारे साथ, जिनका भी कॉल कट चुका था, वो हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं पंजाब से। विवेकानंद जी स्वागत है आपका। विवेकानंद जी किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? सर जी, दादा मेरे दो भाई थे तो उनके पास एक दिया जमीन था। अच्छा। दादा जोते, फिर मेरे पापा जोते, जब मैं जोत रहा हूँ तो मेरे खेत तो 15 कट्ठा है मगर रसीद 15 कट्ठा का नहीं जत रहा कट रहा है, 8 कट्ठा का रसीद कट रहा है, इसके लिए मैं क्या करूँ? जो रसीद थी वो 8 कट्ठा के मतलब 15 कट्ठा का नहीं कट रहा है, 8 कट्ठा का कट रहा है, खेत में जोत रहा हूँ 15 कट्ठा। अच्छा अच्छा, पापा जोत लिए 15 कट्ठा, दादा जोत लिए 15 कट्ठा, और मैं जब जोत रहा हूँ तो 15 कट्ठा जोत रहा हूँ, मगर रसीद कट रहा है 8 कट्ठा का, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, खेत है मेरे पास अभी 15 कट्ठा। इनका ये कहना है कि इनके पास खेत है 15 कट्ठा का, इनके दादाजी इनके पिताजी जोतते आ रहे हैं, लेकिन अब जब ये वो खेत जोत रहे हैं तो इनको रसीद जो मिल रहा है वो 8 कट्ठे का मिल रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाए? इनका वेरिएशन है, मेजरमेंट के अंदर वेरिएशन है। हाँ,
तो इसके लिए आप अपने जो कंसर्न तहसील है वहाँ पर अपने खतौनी की पैमाइश, अपने लैंड की पैमाइश करवा सकते हैं, जिसको चकबंदी भी कहते हैं। आपका एरिया जो है खसरा नंबर है उसका आप पैमाइश करवाइए, उसमें जितना आपका आपके दादा के या आपके पिताजी के नाम में रिकॉर्डेड खतौनी में भूमि है उसकी मार्किंग की जाएगी। इसको मार्किंग कहते हैं कि आपकी स्पेसिफिक लैंड कितनी है, उसके हिसाब से वो वहाँ से तहसीलदार वगैरह आता है, इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी आती है वहाँ से पूरी, वो आपके लैंड की पूरी मार्किंग करके आपका डिमार्केट करेगी आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपके एग्रीकल्चर लैंड कितनी है। वो तो आप तहसीलदार के पास जाएंगे तो आपकी समस्या का यहाँ पर समाधान होगा और आपको सही यहाँ पर रास्ता भी दिख सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कन्नौज से हमारे साथ रेखा अगली दर्शक जुड़ चुकी है। रेखा जी स्वागत है आपका, कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं, रखिए अपना सवाल। जी हम ये जानकारी करना चाह रहे हैं कि ये शादी के विषय में ये जो दहेज एक्ट का मुकदमा होता है, इस विषय में कुछ जानकारी मिल सकती है? बताइए क्या क्या जानना चाहते हैं आप दहेज एक्ट से जुड़ी जानकारी? सर हमारी शादी हुई थी 30 मई को। 30 मई को, अच्छा जी। तो उन्होंने मेंटली डिस्टर्ब है लड़की, तो उन्होंने मुझे धोखे से शादी कर दी पूरी। हाँ ठीक है, तो अब वो गुंडागर्दी दिखाते हैं, जबरदस्ती एक बार घर पे छोड़ गए, लिखा पड़ी से हम लोगों ने बुला लिया। हाँ तो उसके बाद में एक बच्ची भी हो गई। हाँ। वो मांडी वो कभी कभार रात में मतलब दौड़ती है मारने के लिए। अभी 5 दिन पहले फिर आ गई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, फिर आ गई थी, तो फिर उन्होंने मुझे रात में प्रताड़ित किया, मतलब गर्दन दबा दी। तो इसलिए बहुत परेशान है उनसे, कुछ इसमें सहायता मिल सकती है? आप क्या चाहते हैं, आप चाहते क्या है ये बताइए। हम उससे तलाक चाहते हैं सर। आप तलाक चाहते हैं। इनकी समस्या ये है कि इनकी शादी हुई थी और इनको बताया नहीं गया कि मानसिक तौर पर वो थोड़ी सी बीमार हैं, और फिर इनकी शादी करा दी गई, उसके बाद से लड़ाई झगड़े इनके यहाँ पर होते गए, इनकी एक बेटी भी हो गई, लेकिन अब ये तलाक चाहते हैं क्योंकि प्रताड़ित इन्हें किया जाता है और ये तलाक चाहते हैं। तो इसमें क्या कुछ कर सकते हैं? मानसिक रूप से कौन बीमार, हस्बैंड बीमार? इनकी पत्नी, इनकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी। देखिए कहीं पर भी जहाँ पर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स होता है, अगर शादी के टाइम पे आपको नहीं मालूम कि आपकी पत्नी जो है मानसिक रूप से बीमार है इस नेचर की कि वो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज प्रॉपरली नहीं कर सकती, तो आपके पास पूरे राइट है सेक्शन 11, 12, 13 के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आप प्रॉपर पटिशन लगा सकते हैं, उसमें पूरे फैक्ट्स आप बता के लगाइए पटिशन। डाइवोर्स के लिए आपके पास ग्राउंड है, ये ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है कि जहाँ पर आपके पास कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स भी है और उसके साथ आपकी जो वाइफ है वो अनसाउंड माइंड भी है, और अगर वो बच्चा भी हो गया जैसे आप बता रहे हैं, तो ये अभी इस क्योंकि बच्चा हो गया है तो ये वॉइडेबल मैरिज की कैटेगरी में, तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ हस्बैंड, अगर हस्बैंड को ऐसा लगता है उसकी वाइफ के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो वैसे आप मीडिएशन में जाके भी ये मामला सुलझा सकते हैं एक बार अगर आप कोशिश करें तो। शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़े हुए यानी मुख्तियार नामे से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सर कॉल आने से पहले हम चर्चा कर रहे थे इमूवेबल प्रॉपर्टीज पर, पावर ऑफ अटॉर्नी का क्या इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है? देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टीज में जब पावर अटॉर्नी होती है तो ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जजमेंट का जिक्र किया, डिस्कस किया, उस जजमेंट के अंदर एक थोड़ा सा उन्होंने ये एक प्रोविजन रख दिया था कि अगर मान लीजिए कोई फादर अपने लड़का लड़की या वाइफ या अपने रिलेटिव के नाम ब्लड रिलेशन में पावर अटॉर्नी करता है, अच्छा, तो उसका एक प्रोविजन है बशर्त वो पावर अटॉर्नी को रजिस्टर कराए प्रॉपर रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, जो कि एक मैंडेटरी है सेक्शन 17 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से भी, और उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो प्रॉपर्टी से मैटर भी डील कर सकते हैं, और उसको डील करने का तरीका ये है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लेते हैं तो मान लीजिए फादर असमर्थ है डेवलपर से एग्रीमेंट करने के लिए अपने लैंड से रिलेटेड, उन्होंने लड़के को पावर अटॉर्नी दे दी, वाइफ को दे दी, लड़की को दे दी पावर अटॉर्नी, तो वो डेवलपर जो है उस प्रॉपर्टी वो रजिस्टर्ड पावर अटॉर्नी होनी चाहिए, तो वो उस पावर अटॉर्नी के बेसिस के ऊपर उससे एग्रीमेंट कर सकते हैं, एग्रीमेंट टू सेल डेवलपर के साथ, और वो डेवलपर उसके बेसिस के ऊपर आगे प्लॉट काट के बेच सकता है या उनकी प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करके कर सकता है। और उसमें एक चीज़ ये रहती है कि अगर पावर अटॉर्नी है और रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड क्यों इसको मैंडेटरी बनाया गया है? मैंडेटरी इसलिए बनाया गया क्योंकि रजिस्टर्ड एक डॉक्यूमेंट, एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होता है, उसको कोई भी आदमी जो खरीदार है अगर वो पावर अटॉर्नी के बेसिस पे डील कर रहा है, सामने वाले पे पावर अटॉर्नी है, तो वो जाकर रजिस्ट्रार पे चेक कर सकता है कि ये वैलिड है ना पावर अटॉर्नी, इसमें कोई अभी तक कैंसिलेशन तो नहीं आया, क्योंकि एक बार पावर अटॉर्नी बन गई रजिस्टर्ड पावर अटॉर्नी है तो उसका कैंसिलेशन भी रजिस्टर्ड कैंसिलेशन डीड ऑफ पावर अटॉर्नी होगा, तभी उसको वो कैंसिल होगी, नहीं तो वो कैंसिल नहीं मानी जाएगी। एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था, जो पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर ही यहाँ पर जो बात की जा रही है, अगर किसी के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी की गई जी और वो उसके दायरे से बढ़कर अगर काम कर जी
उसके दायरे को आगे निकल के उसका यूज करता है जी। तो इसके लिए क्या कुछ प्रावधान यहाँ पर बनाए? उसके अंदर देखिए सेक्शन 196 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो सेक्शन 12 ऑफ पावर अटॉर्नी एक्ट के हिसाब से बताया गया है उसमें। उसमें ये इलेक्ट करेगा जिसने पावर अटॉर्नी करी है कि उसने उस दायरे से बाहर जाके क्या कार्य किया, क्या वो कार्य को एक्सेप्ट करेगा तो वो पावर अटॉर्नी के अंदर कार्य किया हुआ माना जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है उस कार्य को, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो वो कार्य उसने अपनी कैपेसिटी में किया है अटॉर्नी ने, ये देने वाले का इसमें कोई रूल नहीं है। तो उसकी ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। ये सेक्शन 196 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो रेटिफिकेशन कहते हैं इसको, रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, हमारे साथ अलवर से एक और दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं, राजा राम जी। राजा राम जी स्वागत है आपका, बताइए क्या समस्या है आपकी। राजा राम जी रखिए अपनी बात जी। रियल एस्टेट में मैंने पैसे जमा करवाया था। अच्छा, पैसे मिल नहीं रहे हैं टाइम पूरा होने पे। रियल एस्टेट में उन्होंने पैसे जमा कराए थे, वो पैसे मिल नहीं रहे हैं, वक्त पूरा हो चुका है, यही आपका सवाल है जी? ये इनका सवाल है जी, इसमें क्या किया जा सकता है? क्या क्या सवाल? रियल एस्टेट में इन्होंने पैसे लगाए थे लेकिन वक्त हो चुका है, अब वो पैसे इनको वापस नहीं मिल पा रहे हैं। ये जो इनका मामला है, इनका जो इशू रिलेटेड है वो है रियल एस्टेट में इन्होंने किसी बिल्डर से या आपने कहां पर वो पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे? राजा राम जी कहां आपने वो पैसे लगाए थे और क्या कहा था वो रियल एस्टेट में? ऑल इंडिया बेस पे काम करती जैसे पीएसीएल कंपनी है ना जो पीएसीएल में। हाँ पीएसीएल में। हाँ, और क्या कहा गया था आपसे इन्वेस्टमेंट करते वक्त? जी उसने इन्वेस्ट किया था पैसे मैंने, और टाइम हो गया, टाइम पूरा होने तो पैसे मिल जाएंगे आपको। इनसे ये कहा गया था, इन्होंने पीएसएल में पैसे लगाए थे कि वक्त पूरा होने पर आपको उनके पैसे मिल जाएंगे, और वो अभी तक नहीं मिला है। तो मेरे ख्याल से शायद इसमें फ्रॉड का केस होता है। इसमें पहली नजर में इनका फ्रॉड का ही केस बनता है, क्योंकि कोई इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है या कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, इनको कोई जासा दे रही है, जासा दे के इनका पैसा लगवा दिया गया कहीं पे, उनको एक दे दिया कि इस टाइम के बाद आपको पैसा मिलेगा, तो 428 डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करे होंगे इनके फेवर में, कुछ रसीद वगैरह दी होगी, तो वो एक इन पे ऑफेंस बनता है पहली नज़र में। और दूसरा, अगर ऐसा लगता है कि वो कंपनी वहाँ काम कर रही है और कोई एग्रीमेंट इनके बीच में हुआ है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके ये कोर्ट में भी रिकवरी डाल सकते हैं अपनी, और इस तरह के इनके पास कई सारे ऑप्शंस हैं जो बिल्कुल आप कानूनी सहायता ले सकते हैं, आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर बात चल रही है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। राजेश, पर एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि अगर इन एनी केस अगर हमें पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करना हो तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? सेक्शन 201 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसके तहत आपको जिसके नाम में जिसको आपने अटॉर्नी अपॉइंट किया है, एजेंट अपॉइंट किया है अपने बिहाफ पे कार्य करने के लिए, वो आदमी को आपके वो अटॉर्नी कैंसिल करनी है, तो उसके लिए आपको एक नोटिस देना होता है उसको कि आज से आपकी अटॉर्नी टर्मिनेट कर दी गई है, कैंसिल मतलब जिसके नाम आपने पावर ऑफ अटॉर्नी की है जी, उसको उसको आपको नोटिस देना है, लीगल नोटिस की फॉर्म में दे सकते हैं या आप अपना इंडिविजुअल नोटिस भी दे सकते हैं, टर्मिनेट कर दी है। अगर वो पावर अटॉर्नी रजिस्टर करा रखी है आपने सब रजिस्टर ऑफिस में, तो आपको नोटिस देने के साथ साथ भी आपको वहाँ जाके डीड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ पावर अटॉर्नी भी एक बनानी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, उसमें पूरे आपको पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे, फला तारीख को फला के नाम में हमने पावर अटॉर्नी करी थी, ये पावर अटॉर्नी हमने कैंसिल कर दी है, आज के बाद इसको कोई राइट नहीं है इससे डील कर, ताकि उनके पास रिकॉर्ड रहे। अगर वो बाद में इस पावर अटॉर्नी के बेसिस पे वहाँ पर डील करने जाता है, कोई ट्रांजेक्शन करने जाता है, तो वो नहीं होगी, वो आगे ना वैलिड होगी ना वहाँ पर रजिस्टर्ड होगा कोई ट्रांजेक्शन। तो पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर काफी कुछ जानकारियाँ यहाँ पर मिल रही हैं। आपका कोई सवाल है, आप भी हमारे साथ जुड़िए, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए राजेश जी यहाँ पर मौजूद हैं, अधिवक्ता हैं, और हमारे साथ विवेक एक और दर्शक जुड़े हुए हैं बस्ती से। कहिए विवेक जी, क्या है आपका सवाल? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से एक और दर्शक इस वक्त जुड़ चुकी हैं, गायत्री जी। गायत्री जी स्वागत है आपका, रखिए अपना सवाल। मेरी बहू हम लोग के ऊपर झारखंड में केस की है, और आपकी बहू आपको और दहेज पर कारण का और बच्चा जाने का और चिंताई का लगा के केस की है। हाँ। लेकिन हम लोग का वहाँ का जो जज है ना, तो बिल रिजेक्ट किया है, लेकिन उसका लिस्ट एक हफ्ता से कुछ दे ही नहीं रहा है, तो हम लोग हाईकोर्ट में कैसे फाइट करें? नहीं तो सुनवाई हो चुकी। मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे कि आपने बोला कि आपके ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस यहां पर लगाया गया है, लेकिन जज ने उसको रिफ्यूज कर दिया है। हाँ,
जज ना बेल को ना रिजेक्ट कर दिया है, तो हम लोग हाई कोर्ट में कैसे फाइल करें? वो जो सर्टिफाइड कॉपी है उस पर तो कुछ लिखता नहीं है। और अच्छा, मतलब लोअर कोर्ट से आपने जो बात यहाँ पर रखी थी उसको रिफ्यूज कर दिया गया है, उसको रद्द? हाँ। अच्छा, आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं? हाँ, तो रिफ्यूज कर दिए हैं, बेल नहीं दिए हैं, तो हाई कोर्ट ही जाएंगे। लेकिन जो हमारा कागज है उस पर कुछ जज साहब लिख नहीं रहे हैं, 10 दिन आज हो गया। चलिए ठीक है, मैं जान लेता हूँ। सर, इनका सवाल ये है कि इनकी जो बहू है उन्होंने इनको दहेज प्रताड़ना का केस लगाया हुआ है, इनको परेशान कर रही हैं, और निचली अदालत में इनके केस रिफ्यूज़ कर दिया गया है, और ये हाई कोर्ट जाना चाहती हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि जज साहब कुछ कागज पर लिख नहीं रहे हैं, तो वो ऊपर हम क्या दिखाएंगे, क्या करेंगे, ये जानकारी लेना चाहती हैं। निचली अदालत से इनको राहत नहीं मिली है, ये हाई कोर्ट जाना चाहती हैं। राहत इनको बेल नहीं मिली है? हाँ। देखिए, ये हर एक के फैक्ट्स और सरकमस्टांसिस के हिसाब से चलते हैं सारे केसेस। आपके ऊपर किस तरह के एलिगेशंस लगाए हुए हैं वो एफआईआर के अंदर होंगे, वो मेरिट्स और फैक्ट्स अपने आप डिसाइड कर किए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक इन लॉस का सवाल है जी, अगर हम जजमेंट के हिसाब से बात करेंगे, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की बात करेंगे, उस जजमेंट के अंदर गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस सारी स्टेट मशीनरी फॉलो कर रही है। इस तरह के डावरी के मैटर्स के अंदर, ठीक है, उसमें इनको सारी प्रोटेक्शन है इन लॉस को। अब ये जो इनके फैक्ट्स है, इनको हाईकोर्ट को जाना पड़ रहा है, इनके मेरिट्स के ऊपर और फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कैसी चीज निकल कर आई है। इनको हाईकोर्ट से जरूर राहत मिलेगी, क्योंकि मेन बेसिकली जो ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में माना जाते हैं, इन लॉस का इतना बड़ा रोल माना नहीं जाता। सवाल इनका ये था कि हाईकोर्ट ले जाने के लिए संबंधित कोई दस्तावेज, कोई कागज पेश करने होंगे जो निचली अदालत से इनको जो रद्द हुआ है मामला। निचली अदालत के ऑर्डर्स हैं जो आपको चैलेंज करना चाहते हैं आप हाईकोर्ट में, वो ऑर्डर की कॉपी लगानी पड़ेगी, और हाईकोर्ट के अंदर आपको प्रॉपर आपको क्या रेमेडी करनी है वो सारी क्लियर नहीं है इनकी, कि इनको प्रॉब्लम क्या हुई, इनका किस कॉन्टेक्स्ट में आया। ठीक है, आप हाईकोर्ट जाइए, अपनी बात रखिए, और निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर राहत मिलेगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी गाजियाबाद से हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त मौजूद है। अश्विनी जी, स्वागत है आपका, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर, मेरे को ये पता करना है, मैंने 2 साल पहले छोटे भाई को पावर टोनी दे रखी थी जी, अब वो मेरी एक प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, लेकिन मैं उसे बेचना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है, जान लेते हैं। इनकी इनका सवाल यह है कि 2 साल पहले इन्होंने अपने भाई को, छोटे भाई को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी थी, लेकिन इनका पावर ऑफ, इनका जो छोटा भाई है वो एक प्लॉट बेचना चाहता है, और ये चाहते हैं कि वो प्लॉट नहीं बेचे, तो क्या किया जा सकता है? इसमें बहुत सिंपल है, आप अगर जो आपने पावर अटॉर्नी दी है वो पावर अटॉर्नी आप उनको एक लीगल नोटिस देके कैंसिल कर सकते हैं, उसको उनकी जो पावर्स है उनको टर्मिनेट रिवोक कर दीजिए पावर सारी, तो वो उसके बाद कहीं और उसको एक, आप अगर आपको ज़्यादा लगता है कि कोई आदमी उसके बावजूद भी वो डील कर लेंगे, पावर अटॉर्नी का जो दस्तावेज आपने उनको दिया हुआ है वो आपको वापस नहीं कर रहे, तो आप एक पब्लिक नोटिस भी निकाल सकते हैं अखबार के अंदर के, देखिए ये पावर अटॉर्नी जो हमने बनाई है ये कैंसिल कर दी है, कोई भी आदमी इससे डील करता है तो अपनी रिस्क और कॉन्सिक्वेंसेस पे करेगा, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये प्रॉपर्टी हमने इनको कोई पावर नहीं दे रखी। लेकिन प्लॉट की जो पहले भी बात आई थी हमारे साथ एक और कॉल जुड़े थे, तो प्लॉट से रिलेटेड पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ पर उतना असर नहीं जी, बिल्कुल वैलिड नहीं है, इलीगल ट्रांजेक्शन है वो। अगर पावर, ठीक है, लास्ट में एक पॉइंट यहाँ पर रह गया था उसके बारे में, रिवोकेबल और इरिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या हो जी, मतलब इसमें क्या चीज़? इसमें देखिए, जो रिवोकेबल पावर अटॉर्नी होती है वो होती है कि जब कभी भी रिवोक की जा सकती है। अच्छा, उसमें पावर ऐसे हैं कि हमने उसको, उसने वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आपने उसको रिवोक कर दिया, लेकिन कुछ पावर ऐसे होते हैं जिनको कि रिवोक आप चाह के भी नहीं कर सकते, उसमें ऐसा होता है जो सेक्शन 202 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ये कहता है, जब पावर अटॉर्नी एग्जीक्यूट की गई है कपल विद इंटरेस्ट, आपका जो अटॉर्नी है उसका इंटरेस्ट उसके अंदर है, कोई उसका कंसिडरेशन है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने पावर अटॉर्नी दिए एक अटॉर्नी को कि भाई आप जाके उस आदमी से इतना रुपया रिकवर कर लीजिए, उसके अंदर से आपका भी इतना रुपया है, तो वो उसका इंटरेस्ट उसमें बन गया उसके अंदर, तो वो सेक्शन 202 इस चीज को बार करता है कि आप उस इस तरह की पावर अटॉर्नी को, इरिवोकेबल पावर अटॉर्नी, इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते जिसमें कि कंसिडरेशन होता है। बिल्कुल, तो आज पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में काफी कुछ जानकारी यहाँ पर ली गई, लोगों की जो परेशानियां थी उनको यहाँ पर दूर भी किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे आपसे ही जुड़ी कोई और परेशानी का समाधान लेकर। नमस्कार।